और अब खबर भिंड से है, जहां प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में जिन डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया, उन्हीं आयुष चिकित्सकों को सरकार ने फंड न होने का हवाला देते हुए एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भिंड में कई आयुष चिकित्सकों ने लगभग 2 साल में कोरोना की 3 लहरों के बीच सेवाएं दी। उम्मीद थी कि सरकार भविष्य में उनके बारे में सोचेगी, लेकिन इन डॉक्टर्स की जरूरत खत्म होते ही उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। वहीं चिकित्सकों के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं और उनका जीवन यापन भी संकट में है। वहीं कोरोना के दौरान सरकार ने आयुष विभाग और आयुष चिकित्सकों की मदद का आह्वान किया था, जहां हजारों आयुष चिकित्सक उस दौरान सामने आए थे और कोरोना की जंग में शामिल हुए। लेकिन हाल में ही सरकार के सीएम मामा ने फंड की कमी बताते हुए इन कोरोना वीरों को उनके अस्थायी नौकरी से विदा कर दिया है। वहीं इस तरह अचानक हटाए जाने से जिला अस्पताल में कोरोना के दौरान ज्वाइन करने वाले आयुष चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ काफी आहत और नाराज है, क्योंकि उम्मीद थी कि सेवा के बदले शायद उन्हें सरकारी नौकरी पर रख लिया जाए। इसके उलट एक आदेश के साथ उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं कोरोना के लहर के दौरान भिंड जिला अस्पताल में 20 आयुष चिकित्सक, 52 नर्सिंग ऑफिसर और 1 ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीशियन, 1 एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और 4 कंप्यूटर ऑपरेटरों की अस्थायी भर्ती की गई थी। वहीं बाद में कोरोना लहर कम हो जाने के बाद छटनी की गई थी। कोरोना काल में इस टाइम पे काम किया था, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी उस टाइम पे, है ना। मरीज बहुत ही सीरियस होके आ रहे थे, उन्हों ये नहीं पता था कि मरीज है ना 2 सेकंड में डेथ हो जाएगी इसी के 5 सेकंड में, और मरीज आते ही आते अपने हाथ में से चला जाता था। और कभी कभी ऐसा मरीज भी आता था कि अपन उसको कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते थे और मरीज की डेथ हो जाती थी। मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं। एक तो लगता है कि सरकार की एक आवाज़ पर हम लोग तुरंत उठ के खड़े हो गए और सरकार को और सिस्टम को जहाँ जहाँ ज़रूरत थी काम कराने के लिए वो सारा काम किया हमने, लेकिन उसके बाद भी उस काम का रिजल्ट जो है 0 निकला और शासन ने मुझे बाहर कर दिया निकाल के। सरकार के लिए, मामा के लिए बहुत गलत आ रहे हैं और ख़ुद के लिए भी गलत आ रहे हैं। कॉलेज लाइफ में जब हम निकले थे, कॉलेज से पास आउट हुए थे, उस समय हमें एक स्टेथो और सफ़ेद कोट, जिस सफ़ेद कोट को पहन के लोग आस्था रखते हैं और हमें भी सफ़ेद कोट पहन के और स्टेथो पहन के कॉन्फिडेंस आता था कि अब हम कुछ कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। कोरोना काल जब आया तो इसी सफ़ेद कोट और स्टेथो के भरोसे हम अंदर आए। हमने आइसोलेशन आईसीयू में काम किया सफ़ेद कोट पहन के ही। इस सफ़ेद कोट को पहन के हमारे जाने कितने साथी, कितने कलीग शहीद हो गए। हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, तमाम लोग शहीद हुए। हम लोग पॉजिटिव हुए, हम लोग तमाम सारी बीमारियों से घिर गए। इस सफ़ेद कोट पे एक भरोसा था जो हमारे मामा जी ने इस सफ़ेद कोट का भरोसा ख़त्म कर दिया। आज ये सफ़ेद कोट ऐसा लगता है पहन के कि जैसे हम कफन ओढ़ के बैठे हैं बाहर।